ड्राइवर का मैसेज आया है कि आपका पार्सल आ चुका है, सो आप आके पिक कर लें। तो इस वजह से हम जाएंगे, उसको पिक करेंगे, फिर घर आने के बाद उसको खोलेंगे। तो चलते हैं फिर। So guys, parcel has just arrived. Can you guess what is inside? मुझे लगता है ऐसे नहीं पता लगेगा। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये चीज लाहौर से आई है, ऐसे भी नहीं पता लगेगा। चलो डीजी मैक्स से आई है। अब अंदाजा हो गया होगा काफी कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो कोई बात नहीं, इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। मतलब मुझे तो पता है, आपको भी बताते हैं। तो इसको अनपैक करने से पहले ये देखते हैं कि ये पार्सल हम तक पहुंचा कैसे। सबसे पहले डीजी मैक्स पे कॉल की। हेलो आकाश भाई, यार वो एक हाँ वो लीजेंड, तो कब तक पहुंच जाएगा ये? अच्छा पेमेंट लगवाएंगे उससे अगले दिन पहुंच जाएगा, इतनी फास्ट सर्विस? अच्छा चलो ठीक है, ओके हो गया। बस उसके बाद पेमेंट लगवाई और अगले दिन सुबह गए, मैसेज आ गया योर कंसाइनमेंट हैज बीन अराइव्ड। तो हम वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ से पार्सल यहाँ गए, और उसके बाद अब उसको अनपैक करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। मतलब मुझे तो पता है ना, आप भी देख लो। ये एक एक्शन कैम है भाई, एक्शन कैम। तो ये वॉइस है डिजी मैक्स की, इसको अभी हम रखते हैं साइड पर और इसको खोलेंगे और देखते हैं कि कैसा है। तो ये है हमारा एसडी कैम, दिस इज डिजी फोकस। तो जब ये आया है आपके सामने, मैंने इसको खोला है, ये पहले से ही अपने इस केस में पैक है। मतलब इसको पैक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पहले से बताया हुआ किस तरह से पैक करना। और इसको खोलेंगे और देखेंगे किस तरह से दोबारा इसको पैक करेंगे हम। तो इसको खुल भी नहीं रहा, अरे भैया कैसे खुलेगा ये? चलो सुन लो, देखो भाई हमें ये खोलना भी ना, क्या होगा यार हमसे ही नहीं खुल रहा। शिट, तोड़ना हमने यार, खुल गया। हा हा हा, दिस इज ओवर एस यू कैन। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे इसके अंदर और क्या है। इसके अंदर वाटिस का पूरा सामान है, मतलब जो जो सामान, जो जो चीज चाहिए होती है, जो जो चीज जरूरत होती है, ये चीज़ें मुकम्मल हैं। मतलब कि आई थिंक ये माउंट वगैरह, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ये जब देखेंगे तो पता लगेगा। और काफ़ी कुछ है, ये इसकी चार्जिंग केबल है, चार्ज कैसे करेंगे इसको? डायरेक्ट होगा चार्ज? डायरेक्ट आई थिंक चार्ज होगा। ये थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि डीजी मैक्स से फर्स्ट टाइम नहीं मंगवाया है, पहले भी मंगवाते रहते हैं कोई ना कोई चीज़, लेकिन एक्शन कैम फर्स्ट टाइम मंगवाया है, तो उसका एक्सपीरियंस आपका शेयर किया। तो अभी ये इतना ज़्यादा अभी आपके साथ नहीं शेयर किया, इसके अलग से रिव्यू बनाऊँगा, उसमें हर चीज़ के बारे में बताऊँगा कि इस कैमरे में क्या है, किस तरह के फंक्शन हैं, ताकि अगर किसी ने लेना हो कैमरा या कोई सोच रहा है एक्शन कैम के बारे में लेने के लिए, तो उसको पता होगा इस कैमरे के अंदर ये खसूसियात हैं, और मैं आपको बताऊंगा ये कैमरा क्यों लिया मैंने। बाकी ये है कि डीजी मैक्स के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो इस हिसाब से कह रहा हूँ मैं क्योंकि मैं और भी शॉप्स वगैरह पे गया हूँ, अक्सर मेरे चक्कर लग गए हैं इस्लामाबाद पिंडी वगैरह। तो पिंडी में है कराची कैमरा सेंटर जो काफ़ी मशहूर है, तो मैं इस वजह से उधर गया, मुझे कैम चाहिए था एक्शन कैम, और उस टाइम मैं उनके पास गया हूँ, जाके मैंने उनसे पूछा कि यार आपके पास एक्शन कैम कौन सा पड़ा? उन्होंने कहा कि एक तो हीरो 7 पड़ा है, और उसके अलावा कोई और मतलब जो भी थे एक या दो और भी कैम पड़े थे, ऐसे कैम भी कह रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब मुझे जो रिक्वायर था मैंने वो चीज़ें उनसे पूछी, तो उन्होंने बताया नहीं सही तरह से। जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि यार इसके अंदर एक्सटर्नल माइक लगता है या नहीं लगता, तो वो पता नहीं, आप नेट पे देख लो,
हमें नहीं पता कोई इस बारे में, मतलब कि वो सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहे थे। मैंने उनको हालांकि कहा कि मैं मुल्तान से आया हूँ यार, आप देखो कुछ मुझे थोड़ा सा गाइड करो, मैंने लेना टाइम। तो उन्होंने कोई इतना खास गाइड नहीं किया, मतलब मैं उधर स्पेशल तो नहीं गया था, उधर मैं उधर काम गया था पिंडी में, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर कैमरा सेंटर भी जाया जाए, क्योंकि मुझे कैम चाहिए, तो चलो मैं वहाँ पर सामने अपनी आंखों के सामने देख के चीज़ फिर ले लूँगा। वो तो सीधे मुँह बात नहीं कर रहे थे, तो ये जिस कैमरे से अभी इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ ये भी मैंने लेना था वहाँ पर, तो उन्होंने कोई इतनी खास सही तरह से बात नहीं की, तो जिसकी वजह से मुझे लाहौर से जाके खुद लेना पड़ा था। जो भी है ना, मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं इस तरह से, तो हम लोगों को कोई इसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का काम हो रहा है अच्छी तरह से, तो हम लोगों को उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, मतलब जो भी रीज़न है पता, हमें नहीं पता। तो अभी ऐसा है कि हमारा कैमरा आ गया, खुशी भी है, तो इससे अभी हम लोग इस कैमरे की आँख से हम आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाले हैं, तो इस वजह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मजीद इसके बारे में बताएंगे कि कैमरे में क्या क्या फंक्शन और किस तरह से फरमाने की, जो भी यार बताओ कि आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं।